दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, आखिरकार मारा गया बिहार का आदमखोर बाघ, 10 लोगों की जान लेने वाले बीटीआर के T-105 का वंत। जी हाँ, देखिए बड़ी खबर है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में 10 लोगों की जान लेने वाले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आदमखोर बाघ को आखिरकार मार दिया गया है। वन अधिकारियों ने शनिवार दोपहर में उसे शूटर्स के जरिए मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि बीटीआर का यह आदमखोर बाघ अब तक 10 लोगों की जान ले चुका था। वही आपको बता दें कि आदमखोर बाघ की पहचान T-105 के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 3 साल थी। एक दिन पहले ही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने उसे गोली मारने का आदेश जारी किया था। साथ ही आपको बता दें कि वन विभाग के अधिकारी बाघ को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे। बीते 27 दिन तक अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू अभियान भी चलाया गया था, लेकिन आदमखोर बाघ हर बार टीम को चकमा देकर निकल जा रहा था। बड़ी खबर में देखिए, वंदे भारत पर प्रशांत किशोर का तंज, 26 एमपी वाले गुजरात को बुलेट ट्रेन, 40 सांसद वाले बिहार को पैसेंजर गाड़ी। जी हाँ, देखिए चुनावी रणनीतिकार से राजनीतिज्ञ बने प्रशांत किशोर ने गुजरात के गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल तक चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को केंद्र सरकार पर बड़ा तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार का झुकाव बिहार की ओर नहीं बल्कि गुजरात की ओर है, यही वजह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरात से चलाई गई न कि बिहार से। आपको बता दें कि पद यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीके ने कहा कि बिहार से लोगों ने मोदी सरकार को 39 सांसद चुन के दिए हैं, जबकि गुजरात से मात्र 26 सांसद हैं। लेकिन सुखद और सुरक्षित यात्रा कराने वाले अत्याधुनिक ट्रेन गुजरात को दिया गया और बिहार को पैसेंजर ट्रेन दिया गया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने कहा कि गुजरात की आबादी 6 करोड़ है, जबकि बिहार की आबादी 13 करोड़ है। बावजूद इसके बिहार को एक भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नहीं दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक सुविधा और खूबियों से लैस देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन गुजरात के राजधानी गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल की अब तक चलती है। इस गाड़ी की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिलहाल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में गंडक का तांडव जारी है, मोतिहारी बेतिया के दर्जनों गांव में बाढ़ आ चुका है। जी देखिए बड़ी खबर, बिहार में बाढ़ एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। पश्चिमी चंपारण के विभिन्न प्रखंडों में गंडक समेत पहाड़ी नदियों का तांडव जारी है। जिले के 5 दर्जन से अधिक गाँवों में बाढ़ का पानी 2 दिनों से जमा है। इस कारण लोगों को रहने खाने से लेकर शुद्ध पानी पीने को लेकर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वही देखिए, गंडक का पानी बढ़ने से पूर्वी चंपारण के 3 प्रखंडों में बाढ़ का पानी से भारी तबाही है। संग्रामपुर प्रखंड के पोचरिया गांव के दर्जनों परिवार बाढ़ से घिरे हैं। भवानीपुर मलाही टोला के करीब 50 परिवार बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि से केसरिया प्रखंड के मजरिया जाने वाले पथ पर बनी पुलिया ध्वस्त हो गई है। इसी कारण मजरिया गांव का सड़क संपर्क भंग हो गया है। वहीं देखिए, बगहा नगर के पारस नगर, कैलाश नगर व अग्रवाल वाटिका के पास बाढ़ का पानी जमा हुआ है। इसके अलावा देखिए, ठकरवा प्रखंड के 10 स्कूल जल जमाव की चपेट में शामिल है। ठकरवा के शिवपुर, मुसहरी, हरकट टोला, श्रीनगर, सिर टोला, खान टोला, उमा टोला, विदाह प्रखंड के जिनगही, सिखपटी, पिपरासी के काटी टोला, बैसैया और मधुबनी के चिरवी व सिसई पंचायत के निचले इलाकों में गंडक के पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ी खबर में देखिए, स्मार्ट सिटी योजना के तहत भागलपुर जंक्शन बनेगा स्मार्ट स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी मिलेगी सुविधा। जी हाँ देखिए, बिहार में स्मार्ट सिटी में शामिल भागलपुर को स्मार्ट स्टेशन का भी तोहफा मिला है। गति शक्ति योजना के तहत स्मार्ट स्टेशन बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत स्टेशन पर एयरपोर्ट के तर्ज पर सुविधाएं विकसित की जाएगी और उसी अनुरूप स्टेशन का निर्माण भी कराया जाएगा। प्रोजेक्ट तौर पर 150 से 200 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। वही इस योजना के तहत भागलपुर के अलावा सुल्तान गंज स्टेशन का भी चयन हुआ है। इसके पहले चरण में भागलपुर स्टेशन को विकसित किया जाएगा, इसके बाद सुल्तानगंज स्टेशन को। वहीं आपको बता दें कि भागलपुर में अगले 4 साल में यह योजना पूरी हो जाएगी। यह जानकारी मालदा रेल मंडल के DRM यतेंद्र कुमार ने शनिवार को भागलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्ट स्टेशन योजना के तहत पहले चरण में देश के 70 स्टेशनों का ही चयन किया गया है।
बड़ी खबर में देखिए, मोक्ष धाम गया पहुंची पाप नासिनी गंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बटन दबाकर योजना का किया उद्घाटन। जी बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल उद्योग योजना का कार्य पूरा हो गया है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जिले के मोहड़ा प्रखंड के तेतर जलाशय का निरीक्षण करने के बाद बटन दबाकर योजना का उद्घाटन किया, जिसके बाद पतित पावनी पाप नासिनी गंगा मोक्ष धाम गया की भूमि पर कल कल कर बहने लगी है। वहीं बता दें कि योजना के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार काफी खुश नजर आए। मालूम हो गंगा का जल गया जिले के सभी घरों तक पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई थी। इस योजना से गया, नालंदा और गया जिले के लोगों को फायदा मिलेगा। योजना का उद्घाटन करने के बाद सीएम ने कहा कि हमने वादा किया था कि गया, राजगीर और नवादा में गंगा जल लाएंगे। गंगा जी अब गया तक पहुँच गयी है, यह बहुत बड़ी बात है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 9 से 19 अक्टूबर तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट हुआ जारी। जी हां, बड़ी खबर में देखिए, मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 9 से 19 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में आज भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, भागलपुर, मुंगेर, गया, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी और मधुबनी समेत अन्य जिलों के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। हालांकि सीमांचल में मौसम सामान्य रहने का अनुमान बताया गया है। बारिश के साथ वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा। बड़ी खबर में देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव तक पहुंची जांच की आज। सीबीआई ने निजी सचिव संजय यादव से की पूछताछ। लैंड फॉर जॉब स्कैम की जांच की आज अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। यह कथित घोटाला तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद के मंत्री रहने के दौरान का है, यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। वही देखिए, अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई द्वारा तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और बहन मिसा भारती के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के एक दिन बाद संजय यादव को शनिवार को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संजय यादव को पहले भी तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने सीबीआई के नोटिस को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि संजय यादव ने 2015 में तेजस्वी के उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी इनके निजी सचिव के तौर पर काम किया था। तो वहीं उधर देखिए, संजय यादव ने दावा किया है कि वह न तो लालू प्रसाद या घोटालों में नामित उनके परिवारों के सदस्यों से जुड़े हैं और न ही उनका कथित अपराध से कोई संबंध है। गौरतलब है कि सीबीआई लालू प्रसाद के करीबी और रहे भोला यादव को अरेस्ट कर भी पूछताछ कर चुकी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, यहां 292 पदों पर रिक्वायरमेंट की हो रही है तैयारी। जी देखिए, बिहार में नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। महानंदन की सरकार बनने के बाद सभी विभाग वैकेंसी को लेकर एक्टिव दिख रहे हैं। कई विभाग पहले ही वैकेंसी निकाल चुके हैं तो कई विभाग इसकी तैयारी में जुट गए हैं। अब हिंदी से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। हिंदी में सहायक प्रधान अध्यापक के 292 पदों के लिए चढ़ के बाद नवम्बर प्रथम सप्ताह से साक्षात्कार लिए जाने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदी सहायक प्रधान अध्यापकों के साक्षात्कार के लिए बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। हिंदी में सहायक प्रधान अध्यापकों के 292 पदों के लिए छठ के बाद नवंबर प्रथम सप्ताह से साक्षात्कार लिए जाने की संभावना है। वहीं देखिए, सूत्रों के मुताबिक बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से 52 विषयों में कुल करीब 58,000 से अधिक आवेदन आए थे। इनमें से सबसे अधिक 6,000 से अधिक आवेदन अकेले हिंदी विषय के अभ्यर्थियों के हैं। स्क्रूटनी के बाद पात्र उम्मीदवारों की संख्या 5,000 से अधिक होगी। जानकारी के मुताबिक आयोग ने अभी तक विभिन्न 26 विषयों के करीब 200 सहायक प्रधान अध्यापकों के चयन की अनुशंसा विभिन्न विश्वविद्यालय को कर दी है। बड़ी खबर में देखिए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का चार्ज शीट मामले पर जवाब, कहा जब बीजेपी हारती है तो सीबीआई ईडी को कर देती है आगे। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से कई सवाल किए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जब हारती है तो उन लोगों को पता होता है कि महागठबंधन के सामने अब नहीं टिकने वाले हैं, तो इनको यानी कि सीबीआई ईडी को आगे करते हैं, ये सामान्य सी बात है। वहीं देखिए, जब मीडिया ने तेजस्वी यादव से सीबीआई के चार्ज शीट पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है, बीजेपी के लोग तो इसी एजेंडा के साथ आए थे कि चार्ज शीट करेंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी जब हारती है और उन लोगों को पता होता है कि महागठबंधन के सामने अब नहीं टिकने वाले हैं तो इनको आगे करते हैं, इसका कोई मतलब है। आगे उन्होंने कहा कि इसके बाद ईडी भी आएगी, जब तक संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग होता रहेगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नाराजगी के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि नाराजगी की कोई ऐसी बात नहीं है, अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझे जरूर बताए होते, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है, बैठक के संबंध में उन्होंने कोई निर्णय लेना है।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 20 लाख नौकरी देने के बयान पर तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वह बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तो वहीं देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार में 10 लाख नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार एक गरीब और पिछड़ा राज्य है, मौजूदा अर्थव्यवस्था की चुनौती को स्वीकार करते हुए भी हम लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं देखिए, आगे उन्होंने कहा कि इस मौजूदा दौर में नौकरी देना चुनौतीपूर्ण तो जरूर है, लेकिन हम अपने वादे के प्रति प्रतिबद्ध है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अगर हम लाखों में नौकरियां देने में सफल रहे तो हम रोजगार देने वाला एक नया बिहार मॉडल बना सकेंगे, जिसे एक दिन पूरा देश फॉलो करेगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दी जा रही है छात्रवृत्ति, जाने कैसे ले सकते हैं लाभ। जी हां, देखिए बिहार के छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता व स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ वो छात्र छात्राएं उठा सकते हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत करीब 200 से अधिक कॉलेज और 80 से अधिक कोर्स उपलब्ध है, जिसमें विद्यार्थी अपने अनुसार एडमिशन लेकर कोर्स पूरा कर सकते हैं। इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इसकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार के स्थायी निवासी ही इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं 10वीं पास छात्र योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं 12वीं कक्षा के छात्र भी इस योजना के आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, इसके आवेदन करने के लिए आप www.ccbnic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में शराबियों ने 6 महीने में भरा 17 करोड़ जुर्माना, 72,000 से अधिक लोग पकड़े गए। जी हां, देखिए बिहार में इस साल अप्रैल में शराबबंदी संशोधन कानून लागू होने के बाद से 6 माह में 72,000 से अधिक अभियुक्त पहली बार शराब पीते हुए पकड़े गए। इसमें पुलिस ने 38,000 से अधिक, जबकि मद्य निषेध विभाग ने 30,000 से अधिक शराबियों को पकड़ा है। इन शराबियों को नियमानुसार 2 से 5,000 रुपए जुर्माना लेकर छोड़ा गया, जिससे सरकार को 17.53 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। वही देखिए, पहली बार शराब पीने के जुर्म में जुर्माना भर कर छूटने वाले लोगों के घर चेतावनी पोस्टर चिपकाए जाने के निर्देश भी दिया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार हर माह शराबियों को पकड़े जाने व उनसे जुर्माना राशि की प्राप्ति में वृद्धि दर्ज की जा रही है। बता दें कि अप्रैल में पहली बार शराब पीने के अपराध में 3,075 अभियुक्त को पकड़ा गया था, जिनसे करीब 52,26,000 रुपए जुर्माना वसूला गया था। वहीं सबसे ज्यादा सितंबर महीने में लगभग 2 करोड़ रुपए वसूला गया है। बड़ी खबर में देखिए, सुधा दूध की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी के साथ 2 से 3 रुपए का इजाफा 11 अक्टूबर से होगा लागू। यह बड़ी खबर है, महंगाई से परेशान आम जनों के लिए बुरी खबर है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने सुधा के दूध की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। वही आपको बता दें कि यह वृद्धि जो हुई है यह 11 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। साथ ही आपके जानकारी के लिए बता दें कि सुधा के गोल्ड दूध में प्रति लीटर 3 रुपए तथा अन्य सभी दो में 2 रुपए की वृद्धि हुई है। सुधा गोल्ड 56 की जगह 59 में मिलेगा। इसी प्रकार शक्ति 49 से बढ़कर 51 रुपए, गाय का दूध 40 से बढ़कर 48 रुपए तथा सुधा हेल्दी 44 से बढ़कर 40 रुपए कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी नीति में संशोधन के बाद से यह माना जा रहा था कि दही के बाद दूध के दाम बढ़ाए जाएंगे। कर में देखिए, बिहार में डेंगू का डंग के कारण टूटा रिकॉर्ड, पटना में आंकड़ा 2,000 के पार, जिलों में रोज 100 से 150 केस। जी हां, देखिए बिहार में डेंगू एक बार फिर से कहर बरपाने लगा है। राज्य के सभी जिलों से प्रतिदिन लगभग 150 डेंगू पीड़ित मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं देखिए, राजधानी पटना की स्थिति और भी खराब है। कल शुक्रवार तक पटना में डेंगू पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 2,000 पार कर गया, जो अब तक का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। वहीं देखिए, अस्पतालों में ओपीडी में बुखार, बदन दर्द और सर्दी को मरीजों की भीड़ लगी हुई है। वहीं जांच के लिए भी बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति भयावह होती जा रही है। उधर पटना के एक अस्पताल के डॉक्टर एमके सिन्हा ने कहा कि 100 लोग टेस्ट करके आते हैं, उनमें से 70 लोगों में डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं। 3-4 साल बाद राज्य में डेंगू आतंक मचा रहा है। वहीं देखिए, राजधानी पटना में 2,000 से ज्यादा डेंगू पीड़ित मरीज अब तक सामने आए हैं और यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। बारिश होने की वजह से डेंगू की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ रही है। वहीं मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।